एपी विजेंदर कोई अटी नटी आदमी नहीं है, जैसे कि हमने बोला भी था, वीडियो कल भी बनाया था तो बोला था कि वीआईपी विजेंदर जी समय भोजपुरी की शुरुआत हो रहा था, अपने पसीने से भोजपुरी को आगे बढ़ाए हैं उन्होंने। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का कोटी कोटी ऊपर से लेकर नीचे तक भाई, एकदम नीचे तक पोल खुल कर रख दिया, सही में पोल खुल कर रख दिया। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के भोजपुरी में आया कैसे और कैसे कलाकारों के खरीदने के काम शुरू किया, उसी एग्रीमेंट में खेसारी लाल यादव भी फंस गए और खेसारी लाल यादव जी को भी पैसा का लालच देकर क्या से क्या किया गया। और आज के डेट में देखिए खेसारी भैया की हालत क्या है, कोर्ट कचहरी केस यही सब हुआ है। अब आइए वीआईपी विजेंदर जी बोले क्या है वो हम बात बता देते हैं। ग्लोबल म्यूजिक सोच रहे हैं कि सिर्फ भोजपुरी और सिर्फ भोजपुरी में है, तो भाई भूलिए मत, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जैसे टी सीरीज जैसे बड़ा कंपनी है, वैसे ही ये भी एक बड़ा कंपनी है जो कि विदेश की कंपनी है। विदेश में इसका नाम है वार्नर चैनल, वार्नर का हॉलीवुड मूवी आता है इसी कंपनी से, और वार्नर कंपनी भोजपुरी में लॉन्च किया, नाम रखा गया ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। तो वार्नर कंपनी ने क्या किया, 500 करोड़ दिया, कितना भाई 500 करोड़, जो भी है खरीद लो चैनल, खरीद लो सीएमएस भाई, खरीद लो, जिसके पास चैनल नहीं हो भाई साहब तो बनाओ। ऐसा काम किया वार्नर चैनल, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एंट्री मारा और वही हो गया फंडामेंटल। खेसारी लाल यादव जी को भी हो सकता है पैसा का लालच दे दिया गया होगा, ऐसे तो मालूम नहीं है। ऐसे खेसारी लाल यादव बोले कि हमारे बीच पहले दोस्ती गहरा था राजकुमार जी के साथ, दोस्ती में गद्दारी किए, ये खेसारी लाल यादव जी के का नाम है, हो भी सकता है भाई, बात माना जा सकता है। 500 करोड़ दिया वार्नर चैनल की जाइए भोजपुरी में शुरुआत कीजिए, नाम रखा गया ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, तमाम लोगों को चैनल खरीदा गया। आज के डेट में सबसे ज्यादा सीएमएस कोई करता है तो राजकुमार जी डायरेक्ट पैसा फेंक देता है, कितना 20 लाख 25 लाख ले, कितना तू बोल भैया 10 लाख 20 लाख ले। अब जिसका वार्नर कंपनी 500 करोड़ रुपया दिया है तो उसके 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख देने में क्या अंतर पड़ता है, उसमें से 5-6 करोड़ घटेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ये है और ये बताए हैं कौन भाई, वीआईपी विजेंदर जी, पैसा का लालच दे देकर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने अपने पास अपने पूरे चैनल कंट्रोल में कर दिया है। ये मत सोचे कि सिर्फ खेसारी लाल यादव जी के चैनल उनके पास है, बहुत लोगों का है, मतलब 75% कहिए 65% चैनल आज की डेट में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पैसा देकर खरीद लिया है। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका फेस वैल्यू है, भाई चैनल नहीं है क्या, नहीं, अरे यार क्या मार रहे भोजपुरी में, पैसा नहीं है, कितना 15-20 लाख चैनल बनाओ सीएमएस में दो हमको, ऐसे कर करके ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन आज के डेट में सब भोजपुरी पर छा गया है, सबके ऊपर है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, चाहे तो उसका चैनल गायब चाहे तो उसका चैनल गायब। वार्नर मैं तो नहीं जानता था, सही बता रहा हूँ, आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि ये हॉलीवुड के चैनल है, वार्नर नाम था, भोजपुरी में नाम रखा गया ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, जिसका COO क्या नाम उनका, राजकुमार जी को बनाया गया, उनको दिया गया 500 करोड़ के भोजपुरी में तालका मचा दीजिए, आज के डेट में मच रहा है भाई। तो बात ये हो सकता है खेसारी भैया को बहुत ही, जब 500 करोड़ के जो मालिक पैसा दे दिया गया है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। खैर मैं चलता हूँ, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, नमस्कार।